कुछ मीठा खाने का सोच रहे हैं, तो इस त्योहार बनाएंगे मूंग दाल बर्फी की रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। क्योंकि आज हम बिना मूंग दाल को भिगोए हुए इस रेसिपी को बनाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही शानदार बनती है। तो मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखा रही हूँ ना, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मजे में होंगे। तो आइए मूंग दाल की बर्फी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो चीनी ले लेंगे लगभग 250 ग्राम, और 250 ग्राम ही ले लेंगे मूंग दाल। तो ये धुली हुई मूंग दाल है। अब हमें इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, और इसे बहुत देर तक पानी में ना रखें। बस 1 कप हमने मूंग दाल ले लिया है, इसको अच्छे से धुलकर और किचन टॉवल पर इसको एक बार रब कर लिया था, और इसे अब हम डाल देंगे एक पैन में और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। धीरे धीरे चलाते जाएंगे, सारे पानी इसके सूख जाने चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, बहुत ही अच्छे से लो फ्लेम पर हमें ड्राई रोस्ट करनी है, और लगातार चलाते रहेंगे। और हाँ, रेसिपी कैसी लग रही हो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो ये देखिए, यहाँ पर जो दाल है वो भुनकर रेडी हो गई है। इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ही हम इस ग्राइंडर जार में डालेंगे, और ना इसे डालकर हमें अच्छे से चर्न कर लेना है। चर्न इतना करना है ना कि हमें इसे पाउडर के फॉर्म में बना लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल दरदरा है। अब दूसरी तरफ एक पैन में मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच डाल दिया है घी। ये जो घी है मैंने घर पर बनाया है, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर से जाकर वहाँ पर देखिएगा। तो अब मैंने ना यहाँ पर स्लिट कर काजू और बादाम को डाल दिया है, और इन्हें लो फ्लेम पर हमें गोल्डन क्रिस्प हो जाने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर काजू और बादाम जो है मैंने भूनकर रेडी कर लिया, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे ना स्किप भी कर सकते हैं। अब सेम उसी पैन में जो बचे हुए घी थे उसी के साथ मैंने 1/2 कप घी और इसमें मिक्स कर दिया है। साथ ही साथ इसमें 2 चम्मच डाला है मैंने सूजी, ये कोई सा भी सूजी ले सकते हैं। और इसे भूनने के बाद में मैंने इसमें 2 चम्मच ही डाल दिया है बेसन। इन दोनों को ना लो फ्लेम पर अच्छे से हमें भून लेना है, कच्चापन दूर कर लेना है, और इसमें कोई भी लम्स ना रहे इसका ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर लगातार चलाते जा रही हूँ, और इसकी ना खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, यानी कि बेसन और सूजी अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें ना मैंने डाल दिया है दरदरे किए हुए मूंग दाल को। अब मूंग दाल को लगातार चलाते जाएंगे, और अच्छे से हमें इसे भी भूनना है घी के साथ में। घी, बेसन, सूजी सभी आपस में जब मिल जाएंगे ना, तो बहुत ही शानदार रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो बस हमें अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, ताकि बहुत ही अच्छा इसका ना फ्लेवर आ सके। तो बस ये देखिए, यहाँ पर गोल्डन हो चुकी है, बस यही कलर हमें चाहिए। इस के बाद हमने इसमें डाल दिया दूध। तो ये जो दूध है बॉयल की हुई, ठंडी की हुई है, और यहाँ पर जो दूध है ये मैंने 2 कप लिया है, और यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते जाना है। ये देख रहे हैं ना, इसमें काफ़ी सारी जालियाँ बन चुकी है। तो बस इसी स्टेज पर ना हमने इसमें पानी भी मिक्स करना है। तो पानी जो है हमने 1 कप यहाँ पर डाल देना है। तो ये देखिए, मैंने 1 कप डाल दिया, यानी कि 1 कप है मूँग दाल। तो यहाँ पर 3 कप हम डालेंगे लिक्विड को, यानी कि 3:1 का रेशियो हमें रखना है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इन सभी को मिक्स करेंगे, क्योंकि दाल हमने भिगोई नहीं थे, तो इन्हें अच्छे से फूलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैंने 1 कप डाल दिया है चीनी और केसर वाला दूध जो मैंने भिगो कर रखा था। चीनी ना आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, मेरे हिसाब से 1 कप इनफ है। इस परफेक्ट रेशियो के साथ में ना एक बहुत ही शानदार बर्फी को तैयार कर पाएंगे। तो बस चीनी को पिघलने का वेट करना है। इसमें मैं डाल दूंगी फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, और अच्छे से मिक्स करते जाना है। ये देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है ना। तो बस इसी स्टेज पर हमने बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है। फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा है, और यहाँ पर मूंग दाल की जो बर्फी है इसका टेक्सचर जो है, बस इसी स्टेज पर हमें बंद कर देना है फ्लेम को, और एक ग्रीस किए हुए प्लेट या मोल्ड में इसे ट्रांसफ़र कर देना है, और अच्छे से इवनली फैला देना है। इसमें ना हमने कुछ गार्निशिंग की है, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो मैंने यहाँ पर चांदी के वर्क के साथ में इसको गार्निश किया है। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से।
आप चाहे ना तो इसे बिना चांदी के वर्क के साथ भी गार्निश कर सकते हैं, बस एज इट इज़ इसे ऐसे ही रहने दें। बट यहाँ पर जो हमने काजू और बादाम को फ्राई कर कर रखा था ना, उसको इस तरीके से दरदरा क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ना ग्राइंडर जार में डालकर कोर्सली एक बार पीस भी सकते हैं। तो बस इस ड्राई फ्रूट्स को ना ऊपर से हम गार्निश कर देंगे। बहुत ही अच्छा लुक, फ्लेवर, बहुत ही शानदार बर्फ़ी बनकर रेडी होती है। हल्के हल्के स्पैचुला से ना प्रेस कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर एक घंटा के लिए सेट होने दें। उसके बाद इसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग शेप और साइज में कट करें। मैंने तो यहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ी का शेप दिया है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, और मार्केट में जो मिठाइयों की दुकानों में जो मिलती है ना, बिल्कुल उस तरीके का ये मूंग दाल की बर्फ़ी जो है ये बनकर रेडी होती है। ये देखिए कितने आसानी से कट गया, ये निकल गया बाहर। बहुत ही शानदार, बहुत ही ईजी रेसिपी है। इस फेस्टिव सीजन ज़रूर से इसे ट्राई करें। तो आई होप ये जो रेसिपी है आज की पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बगल में बेल बटन को भी हिट करें ताकि न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।